गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है हरिओम यादव और इनोवेटिव इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आप इंग्लिश के कुछ कंसेप्ट देखते हैं। दोस्तों, जो कंसेप्ट मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ वो वाकई बहुत मजेदार कंसेप्ट है। मतलब अगर ये कंसेप्ट आप सीख गए तो आप समझिए कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड कर सकते हो। क्योंकि असल में मैं रटने वाली इंग्लिश नहीं पढ़ाता, मैं इंग्लिश में हर जगह, मतलब आप देखेंगे आज आप केवल इस क्वेश्चन से ही देख पाएंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कैसे ट्रीट करना है। तो ज्यादा बातें किए बिना हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, असल में इसके बारे में बता देता हूँ। टेलीग्राम पे मैं एक ग्रुप चलाता हूँ, इसका नाम है इनोवेटिव इंग्लिश क्लासेस। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं पर डे एक क्वेश्चन डालता हूँ और ये क्वेश्चन जो भी रहता है इसका कुछ प्राइज रहता है। आप इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए और प्राइज जीतिए। 16 अक्टूबर को मैंने एक क्वेश्चन डाला था और ये क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को आप आंसर कीजिए और इसे देखिए कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को आंसर किया होगा। अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या एरर्स हैं और इन्हें हम कैसे ट्रीट करते हैं। कई सारे बच्चे इसमें आंसर करते हैं कि यहाँ अडॉप्ट गलत है, इसकी जगह कुछ और आएगा। कई सारे कोई और चेंज करते हैं, कुछ और करते हैं। तो आप देख लेते हैं क्या करना है। दोस्तों, इसमें दो एरर्स हैं। सबसे पहली ये गेट की एरर है। कई बच्चे इस गेट की जगह बोलते हैं सर गेट की जगह गेट्स आएगा। क्या गेट्स आएगा, हम देख लेते हैं क्या आने वाला है। दूसरा अडॉप्ट की एरर है। अडॉप्ट जो है इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो दूसरी वाली एरर तो बस सिंपल सी एरर है। इसको अगर आप प्रोनाउन का रूल पढ़ेंगे तो प्रोनाउन के रूल में आप इसे इजीली देख पाते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। उनमें आप अडॉप्ट भी देखते हैं और अडॉप्ट के बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होती है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका डायनासोर्स के अकॉर्डिंग देमसेल्फ हो जाएगा। तो आपको यहां पर क्या यूज करने का, देमसेल्फ। ये आपकी एरर सिंपल सी। लेकिन जो गेट वाली एरर है वो एरर मेरे को डिस्कस करनी है यहां पर। तो इस चीज को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। दोस्तों देखिए जरा, ऑप्शन ये है गेट गेट्स गॉट। आप इसमें क्या फिल करेंगे? बच्चों के आंसर ये लेते हैं ज्यादातर कि गेट्स आएगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अब मुझे जरा बताइए कि अगर मैं इसमें गेट्स लगाता हूं या फिर मैं लगाता हूं गॉट। गेट्स बोलने का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड गॉड बोलने का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों अगर आपको ये बात क्लियर है कि यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा या पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो ही आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। और ये पता करने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मैंने बस ये क्वेश्चन इसीलिए उठाया है ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आपको जजमेंट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। तो आइए समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जानने के लिए हम केवल दो बातें जानेंगे। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप बताइए मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह के एक्शन को हम डील करते हैं। तो दोस्तों हम कुछ एक्शन है उनको डील करते हैं। सबसे पहला होता है फैक्ट, हम उसमें फैक्ट डील करते हैं। फैक्ट इन प्रेजेंट, प्रेजेंट के फैक्ट डील करते हैं। सेकेंड बनता है यूनिवर्सल ट्रुथ, ये आप पढ़ते ही हैं। थर्ड बनता है कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल में हमारा कौन सा, जीरो कंडीशन या फिर फर्स्ट कंडीशन, तो ये हम उसमें डील करते हैं। देन अगेन फ्रीक्वेंट एक्शन, FREQUENT फ्रीक्वेंट एक्शन। अब ये फ्रीक्वेंट एक्शन होते क्या, ऐसे एक्शन जिनमें बार बार रिपीटेशन होता है। जैसे मैं बोलूं आपसे मैं रोजाना सुबह घूमने जाता हूं, तो वो ये एक ऐसा एक्शन है जो रोजाना सुबह शुरू हो जाता है। मैं दिन में दो बार खाना खाता हूँ, मैं कभी कभी मिलने जाता हूँ, तो ये सारे एक्शन जो है जिनमें कभी कभी नेवर एवर सेल्डम जिन आते हैं वो सब हमारे फ्रिक्वेंट एक्शन कहलाते हैं। अगेन हैबिट, तो अगर ये सब बातें हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर पाओगे, अदरवाइज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज नहीं कर पाओगे। जबकि पास्ट इंडेफिनिट कहां यूज किया जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाता है फैक्ट इन पास्ट, और इसके लिए हम इवेंट, इवेंट इन पास्ट। तो कोई अगर फैक्ट है और इवेंट है तो ही हम पास्ट इंडेफिनिट यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम यूज नहीं कर पाएंगे।
तो आप यहाँ देखिए कि इवेंट अगर होता है तो हम कहाँ यूज कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, जबकि हमारा फैक्ट होता है प्रेजेंट का तो हम क्या यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये बात आपको समझ में आती है तो हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट और इवेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि यही बेसिक है। अगर आप फैक्ट और इवेंट में डिफरेंस समझ जाते हैं तो आप बेसिकली समझ जाते हैं कि हमें यूज क्या करना होता है। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, उनके बाद आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पहला सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा राम इज माय फ्रेंड, ओके। एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, रवि लुक्स बेटर, ओके। मैं तीसरा लिखता हूं, सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ओके। मैं ये तीन सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, आप मुझे बताइए जस्ट कि इन तीनों सेंटेंसेस में फैक्ट क्या है, इवेंट क्या है। इवेंट मतलब कोई घटना, फैक्ट मतलब किसी के बारे में सत्य बात। तो हम देखते हैं यहां रवि के बारे में सत्य बात है, रवि मेरा दोस्त है, ये फैक्ट है, फैक्ट इन प्रेजेंट, फैक्ट इन प्रेजेंट, ओके। सेकंड, रवि लुक्स बेटर, ये रवि के लुक्स है, ये भी तो फैक्ट है उसके बारे में, ये भी है फैक्ट इन प्रेजेंट, गेट इट। तीसरा, सचिन तेंदुलकर बेटर है, बेस्ट प्लेयर है, तो ये भी तो अभी प्रेजेंट का फैक्ट है, ओके, ये भी फैक्ट हुआ। तो फिर इवेंट क्या हुआ? अच्छा आइए इवेंट देख लेते हैं। मैंने बोला राम स्लैप्ड हर, राम ने उसे थप्पड़ मारा। अच्छा, ये थप्पड़ मारना है, ये एक घटना हो जाती है। तो जब हम कोई एक्शन करते हैं ना, वो घटना हो जाती है। तो आपको हर बार ये समझना होगा कि घटना क्या है और तथ्य क्या है। आप समझ पा रहे हैं, घटना और तथ्य, अगर इनमें आप डिफरेंस कर पाते हैं तो ही आप समझ पाएंगे कि इवेंट और फैक्ट क्या है, ओके। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये जानना जरूरी कैसे है, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा। अच्छा, दूसरा मैं एक और फैक्ट इवेंट आपको डिस्कस करता हूं। जैसे मैंने लिखा आई राइट अ लेटर, दोस्तों मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ, स्ट्रक्चर वाइज तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन पता है इसका मीनिंग एकदम गंदा है और ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप ये सेंटेंस बोल नहीं सकते। स्ट्रक्चर वाइज बोल सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस आप बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आप कन्वर्सेशन में बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस आपका क्या दिखाता है? मैं एक पत्र लिखता हूं। अब मुझे बताइए, मैंने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, बिल्कुल सही। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैं सेंटेंस बना सकता हूं? नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये सेंटेंस ना तो मेरे फैक्ट को बताता है, जो प्रेजेंट का फैक्ट है ये फैक्ट नहीं है, ना तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, ना ये कंडीशन को बताता है, तो ये कंडीशनल भी सेंटेंस नहीं है, ना ही ये एक्शन फ्रिक्वेंट एक्शन को बताता है, फ्रिक्वेंसी जिसमें बार बार रिपीटेशन हो ये भी नहीं है, और ना ही ये हैबिट को बताता है। अब मुझे बताओ, क्या लेटर लिखना आपकी आदत है? बिल्कुल नहीं। क्या फ्रीक्वेंसी है इस क्वेश्चन में? हाँ, अगर मैं ये लिख दूं आई राइट अ लेटर डेली, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। मैं लिखता हूं आई राइट अ लेटर डेली, अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन यहां ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो हम फ्रीक्वेंसी का बना सकते हैं, अदरवाइज हम बना नहीं सकते इस सेंटेंस को इतना। तो जो टीचर आपको समझा रहे हैं या जो पढ़ा रहे हैं, जो इस तरह का मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आप देखिए कि ये मटेरियल इस तरह से नहीं मिलता। मतलब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की अंडरस्टैंडिंग अब आपको यहां से गेन करनी पड़ेगी इस तरह से। तो चलिए मैं समझाता हूं और आगे। अब इसी चीज को हम ऐसे समझते, जैसे मैंने ये सेंटेंस में लिखा रानू गेट इट फ्रॉम साइंस, मतलब साइंस सब्जेक्ट है उसमें, वहां से पता चला। क्या पता चला? कि ये डायनासोर के बारे में ऐसी ऐसी बातों से पता चली। अब मुझे बताइए, रानू को जो चीजें पता चली हैं, रानू गेट्स, मैं इस तरह से गेट्स लिखता हूं, गेट्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा इट फ्रॉम, इस तरह से मैं कुछ लिखता हूं। अब मुझे बताइए, रानू को कोई चीज पता चली है, वो फैक्ट है या इवेंट है?
तो कोई घटना जब घटित होती है भाई साहब, वो फैक्ट नहीं होता, वो इवेंट होता है। और हमने अभी अभी देखा कि इवेंट जितने भी आएंगे हम उसे किस में दिखाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, इसीलिए यहां पर हम गेट हटा के क्या कर देंगे, गॉट। दोस्तों आप वीडियो को दोबारा देखिए, तीन बार देखिए, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट की अंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से गेन कीजिए, क्योंकि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट की नॉलेज गेन की तो आप बहुत मायने में कई सारे क्वेश्चनों को सही करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन जो मैं आपके सामने और लिखता हूं, देखिएगा जरा, बेगर थैंक्स अ मैन फॉर हिज हेल्प। दोस्तों पॉज करके इसका आंसर कीजिए और सोचिए इसमें क्या गलत है। अब मैं आपको बताता हूं, आप यहां ये वर्ब देख रहे हैं थैंक्स, थैंक्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अब मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? स्ट्रक्चर वाइज तो सही है सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस गलत है। दोस्तों ये SSC का आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 13-14 में किसी सेट में आपको मिल जाएगा, SSC प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देख लीजिए SSC भी यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मुझे बताइए थैंक्स बोलना स्ट्रक्चर वाइज तो हम बच्चों को ये लगता है, आप सभी को ये लगेगा कि सर एकदम सही, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हो गया। लेकिन अगर आपको फैक्ट और इवेंट की जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी करके इस क्वेश्चन को सही नहीं करने वाले। तो फिर से मैं बताता हूं, अब मुझे बताइए जो एक्शन है ये फैक्ट है या इवेंट, मतलब किसी के बारे में सत्य बात है? ऐसा तो नहीं है, सत्य बात तो होती नहीं है। क्या बेगर हमेशा आपको बोलता है? क्या प्रेजेंट में बोलते ही रहता है वो थैंक्स? नहीं बोलता। क्या ये इवेंट है? बिल्कुल, ये एक घटना है जो उस समय पर घटित हुई। जैसे उस समय पर आपने, मान के चलो आपने किसी को थप्पड़ मारा, ये घटना हो गई। आप कूदे, ये घटना हो गई। आप सोए, ये घटना हो गई। तो ये घटना है, तो ये एक तरह की क्या है, घटना। अच्छा इस क्वेश्चन को और जांचते हैं, क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? बिल्कुल नहीं। क्या ये फ्रीक्वेंट एक्शन है, इसमें फ्रीक्वेंसी है? क्या बेगर बार बार बोलता है थैंक्स? ऐसा भी नहीं है। क्या ये फैक्ट है? फैक्ट भी नहीं है। क्या ये हैबिट है? बताइए मुझे, हैबिट है? बिल्कुल हैबिट भी नहीं है। अच्छा जब ये फैक्ट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फिर ये है क्या? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, इसीलिए मैं इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं बनाऊंगा। ये एक इवेंट है जो उस समय पर घटित हुआ, बेगर ने कुछ किया। तो आपको अब इस तरह से चीजों को पकड़ना पड़ेगा और आपको थैंक यूज करना पड़ेगा। ओके, इस तरह से आप देखिएगा। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को डील करें, आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, खासकर टेंस और प्रीपोजिशन आपके बहुत अंडरस्टैंडिंग के हैं, जब भी आप इन चीजों को देखें तो आप अच्छे से पढ़ें, समझें और इनको कंपेयर करें। ओके, इसी के साथ फिर मिलते हैं, बाय।